Hello students, new study point welcomes you. आज हम लोग noun and its cases के बारे में discuss करेंगे. तो start करते हैं. आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जो cases होते हैं noun के, वो उनके चार प्रकार होते हैं. There are four types of cases in noun. आज हम इसके बारे में बात करते हैं. Nominative case क्या है? नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम एक और है, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. ये क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं. यानी कि ऐसा नाउन जो हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं. और दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट से पता चल रहा है, यानी कि ऐसा नाउन जो हम नाउन के लिए ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. तीसरा आता है पजेसिव केस. पजेस से बना है ये शब्द. पजेस माने तो अधिकार, यानी ऐसा नाउन जो किसी के अधिकार के लिए यूज किया जाता है, हम उसको बोलते हैं पजेसिव केस. और चौथा जो है वोकेटिव केस. वोकेटिव केस हम संबोधन के लिए करते हैं. जैसे हम लोग किसी को पुकार लेते हैं, तो पुकारने वाला जो केस होता है, उसको हमें बोलना पड़ता है वोकेटिव केस. जैसे पुकार लेते हैं कि राम कम हियर. अब यहाँ पे मैंने कहा राम, यानी राम को मैंने पुकारा है राम नाम लेकर. तो यहाँ पे जो राम कहा गया, ये वोकेटिव केस में आ जाएगा. अब हम सीधे सीधे चलते हैं. जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब कोई भी सेंटेंस बनाना होता है, तो सेंटेंस बनाने का रूल यह होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद आपका वर्ब होता है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है. आप देख सकते हैं कि वर्ब के बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट है. यानी कोई भी नाउन जो वर्ब के लेफ्ट में है और जो सब्जेक्ट का काम करेगा, उसको हम बोलेंगे क्या? नॉमिनेटिव केस. जैसे हमने लिखा राम गेव मी अ पेन. मैंने कहा राम गेव मी अ पेन. यहां पर देखे वर्ब क्या ये है. अच्छा, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो किसी काम को करता है. यानी अगर कोई काम कोई परफॉर्म कर रहा है, तो परफॉर्म करने वाले इंसान को जो है सब्जेक्ट कहते हैं. यहाँ पर देने का काम कौन कर रहा है? देने का काम यहाँ पे राम कर रहा है. राम ने मुझे एक कलम दिया. कौन काम कर रहा है? राम कर रहा है. तो जो राम है, यही होता है आपका सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट जो होता है, इसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं. यानी कि ये जो है, ये आपका हो जाएगा नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस समझ में आ गया होगा. इसके बाद अब क्या आता है? वर्ब के दाहिने साइड में जो है ऑब्जेक्ट होता है, जिसका सब्जेक्ट के काम जो भी काम करता है, जिस पे असर पड़ता है, वो होता है ऑब्जेक्ट. यहाँ पर देखिए, बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट का पता करना होता है, तो दो प्रकार के क्वेश्चन करते हैं. कौन कौन सा? पहला होता है किसको, और दूसरा होता है क्या. किसको का आंसर जो मिलेगा वो भी ऑब्जेक्ट है, और क्या का आंसर जो मिलेगा वो भी ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पर देखिए आप लोग, राम ने मुझे एक पेन दिया. तो किसको दिया? मुझको दिया. तो इसका मतलब है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है. अच्छा, क्या दिया? पेन दिया. तो पेन भी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. यानी ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे. अब मामला ये फंसता है कि अगर ये दोनों आ रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट, तो मैं इसमें भी क्या कोई डिफरेंस है, कोई अंतर है? हाँ, बिल्कुल अंतर है. इसका अंतर देखें आप लोग, ये भी दो प्रकार का होता है. जो पहला होता है, उसको हम बोलते हैं डेटिव केस, और जो एक और दूसरा वाला है, उसे बोलते हैं एक्युमुलेटिव केस. उसे बोलते हैं एक्यूजेटिव केस. अब देखें आप लोग, जो डेटिव केस होता है, इसी को हम दूसरे शब्दों में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. यानी कि इसको हमें पता करने के लिए हमें किसको का प्रश्न किया जाता है. यानी किसको का जो आंसर मिलेगा वो आपका हो जाएगा डेटिव केस. अब यहां पर देखें आप लोग, राम ने मुझे एक कलम दिया. किसको दिया? मुझे दिया. तो चूंकि किसको से आंसर क्या मिला? मुझको. यानी ये जो आपका है, इसको हम बोलते हैं डेटिव केस. अब देखें एक्यूजेटिव केस कौन सा होता है.
एक्यूजेटिव केस को पता करने के लिए हम क्या का प्रश्न करते हैं, किसका प्रश्न करते हैं, क्या का प्रश्न करते हैं। तो अब यहां पर देखिए, राम ने मुझको एक कलम दिया, क्या दिया, कलम दिया। तो जो कलम जो है ये क्या से आंसर, क्या का आंसर है, यानी कि जो क्या का आंसर है उसको हम बोलते हैं एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस। तो आपके समझ में आ गया होगा कि नॉमिनेटिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। तो ऑब्जेक्टिव के जो दो पार्ट होते हैं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बताते हैं, इसके बाद जो तीसरा आता है वो है आपका पजेसिव केस। पजेसिव केस जो अधिकार बताता है, अधिकार को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें तीन प्रकार के प्रश्न होते हैं, आप तीन प्रकार के प्रश्न करते हैं इसके अंदर है। पहला होता है किसका, जब मेल के लिए पता करना तो किसका लगाते हैं, और फीमेल के लिए होता है तो किसकी, और इसी प्रकार एक और है जो बहुवचन के लिए होता है किसके। इनके प्रश्न से जो आंसर मिलता है, जो जवाब मिलता है, उसी को हम पजेसिव केस कहते हैं। यहां पर आप लोग एग्जाम्पल देखे, आई फाउंड राम्स मोबाइल, मुझे राम का मोबाइल मिल गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन करो इससे, किसका मोबाइल मिल गया है, राम का मोबाइल मिल गया है। तो यहां पर आप देखिए राम का मोबाइल, तो राम का जो यहां पे यूज हुआ है इसी को हम बोलते हैं पजेसिव केस, ये आपका हो जाएगा पजेसिव केस, इस टाइप का होता है। अब चौथा जो है वो आपका होता है वोकेटिव केस, यानी वोकेटिव केस को दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, संबोधन। ये बताता है इसमें किसी को पुकारने के लिए जिस केस का प्रयोग होता है उस केस को हम वोकेटिव केस कहते हैं। अभी जैसे कह दिया, अब किसी और से बताना हुआ मुझे यही बात कि मुझे राम का मोबाइल मिल गया है, अगर किसी को बताना है तो उसका नाम लेकर पुकार लेते हैं। जैसे मान ली इसके भाई से मैंने कहा जिसका नाम श्याम है, अब यहां क्या पता है? कैसे बोलते हैं, श्याम आई फाउंड राम मोबाइल, यानी श्याम मुझे मुझे जो है राम का मोबाइल मिल गया है। तो मैंने किससे कहा, ये मैंने श्याम से कहा है, और श्याम को संबोधित करते हुए मैंने कहा है, श्याम को पुकारते हुए कहा है। अब चूंकि जिसको पुकारा गया है उसका नाम को या उसके नाम को जो है वोकेटिव केस कहते हैं। जिस इंसान का या कोई भी हो जिसका भी नाम पुकारा जाए, जिससे कोई काम है मुझे, जिससे कुछ बताना है, वहां पर जो हम यूज करते हैं उसी को हम वोकेटिव केस कहते हैं। और इस प्रकार से आपके चारों के चारों केसेस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो, लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट लग रहा है, तो आप प्लीज इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो है आप कमेंट भी करें, ताकि हमें पता चले कि हाँ हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।